नमस्कार मित्रों, एग्रीकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको तरबूज की उन्नत खेती कैसे करें इसके संबंध में बताने जा रहा हूँ। तरबूज को वाटरमेलन सिट्रस बुलगेरियस लोनेटस भी कहते हैं। इसका वानस्पतिक नाम सिट्रस बुलगेरियस वराइटी लोनेटस है। एक कुकरबिटेस कुल का पौधा है। इसमें क्रोमोजोम की संख्या 22 पाई जाती है और इसकी उत्पत्ति उष्णकटिबंधीय दक्षिण अफ्रीका और एशिया से हुई है। इसकी उत्पत्ति के जंगली पौधे सिट्रस फोटोसिंथेसिस से हुई है। सिट्रस इतिहास बहुत पुराना है। इसकी दोनों जंगली जातियाँ सामान्य तरबूज के वंशज हैं और जंगली पौधे उत्तरी और पश्चिमी अफ्रीका में काफ़ी पाए जाते हैं। जोहरा हाफ के अनुसार इसकी खेती के प्रमाण नील घाटी में दूसरी शताब्दी में पाए गए हैं। डिकेंडोल 1882 के अनुसार प्राइमरी उद्गम स्थान इसका उष्णकटिबंधीय अफ्रीका है, जहाँ पर इसके जंगली पौधे पाए जाते हैं। परंतु पेंगलो 1955 के अनुसार द्वितीय उद्गम स्थान इसका भारतवर्ष है। इसकी खेती दक्षिणी अफ्रीका, एशिया और भारत से प्रारंभ हुई। भारत में इसकी खेती आदिकाल से की जा रही है। इसके जंगली पौधे पर्याप्त संख्या में भारत और दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। 10वीं शताब्दी तक चीन में इसकी खेती प्रारंभ हो चुकी थी। चीन संसार का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। तरबूज ग्रीष्मकाल की एक प्रमुख फसल है। इसको डेजर्ट फ्रूट भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी खेती गर्मी के काल में की जाती है और समय से वो खाया जाता है। फल इसका पैपो, बॉडी के हिसाब से पैपो कहलाता है। इसकी खेती एशिया और भारत से प्रारंभ हुई है। भारत में इसकी खेती आदिकाल से की जाती रही है। इसके जंगली पौधे पर्याप्त संख्या में भारत एवं दक्षिण अफ्रीका के देश में मिलते हैं। इसका छिलका काफ़ी मोटा होता है और फल पकने पर गूदा लाल, गुलाबी या नारंगी रंग का हो जाता है। फल में पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व तो पाए जाते हैं। सिट्रुलिन नामक अमीनो अम्ल इसके फलों में पाया जाता है। फलों में बीटा कैरोटीन व लाइकोपीन काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। इसके औषधीय गुण भी हैं। लू से शरीर को बचाता है। गर्मियों में जब प्यास अधिक लगती है और इसको अगर सेवन कर लेते हैं तो प्यास नहीं लगती है। पके फल के रूप में इसको हम औषध के रूप में भी उपयोग करते हैं। दक्षिणी अमेरिका के कुछ देशों में इसका छिलका पकाकर सब्जी के रूप में खाया जाता है और दक्षिण अमेरिका में रस से मदिरा बनाई जाती है। मित्रों, तरबूज में काफ़ी मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। प्रत्येक 100 ग्राम में कार्बोज 3.3%, 95.3% इसमें नमी पाई जाती है। इसके अंदर पोटेशियम 160 मिलीग्राम, गंधक 42 मिलीग्राम, ऑक्जेलिक अम्ल 11 मिलीग्राम, विटामिन B1 0.02 मिलीग्राम, विटामिन C 1 मिलीग्राम, कैल्शियम 11 मिलीग्राम। तरबूज में पोषक तत्व प्रति 100 ग्राम खाने योग्य मात्रा में ऊर्जा इसमें 30 कैलोरी होती है। कार्बोज 7.55% होता है। प्रोटीन 0.61% होती है और शुगर इसमें 6.20 ग्राम प्रति 100 ग्राम पाई जाती है और रेशा 0.4% या 4 ग्राम होता है। ये US डेटा के आधार पर दिया गया है। बहुत सारे औषधीय गुण भी पाए जाते हैं, जिसमें एक कब्ज को दूर करता है, पीलिया रोग में इसका उपयोग किया जाता है, TB के रोगों में इसका उपयोग होता है, गुर्दे के दर्द में इसका दवा के रूप में दिया जाता है और पैर के तलवों में जलन होती है उसमें इसका रस दिया जाता है। तरबूज की बहुत सारी उन्नतशील प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिसमें सबसे अधिक छोटे आकार की होती है, लेकिन शुगर में भी। ये इंट्रोडक्शन है। असाई हमारा तो एक जापानी प्रजाति है और शुगर बेबी अमेरिकन प्रजाति है। अर्का ज्योति, अर्का आकाश ये बंगलौर से निकाली गई हैं। अर्का मधुर, अर्का मधु, अर्का ऐश्वर्य, अर्का राजहंस ये भी IIHR बंगलौर से निकाली गई हैं। दुर्गापुर मीठा कृषि अनुसार के दुर्गापुर से निकाला गया है। दुर्गापुर केसर इसको भी दुर्गापुर से निकाला गया है। इम्प्रूव शिपर अमेरिकन वैरायटी है, इसको पंजाब के द्वारा डेवलप किया गया है। स्पेशल नंबर 1 अमेरिका की वैरायटी है, लेकिन पंजाब ने इसका निकाला है किसानों के लिए। चार्लस्टन ग्रे अमेरिकन प्रजाति है और इसके फल काफ़ी बड़े होते हैं। पूसा रसल इसको पूसा या IARI बिहार से निकाला गया था। शंकर प्रजातियों में अर्का मानिक चूने आशिता और वृक्षरोग के लिए प्रतिरोधी है। इसके अलावा इसमें MHW6 रसीला, राजहंस और रंगीला आदि प्रजातियाँ भी संकर प्रजातियाँ पाई जाती हैं। विदेशी प्रजातियों में कैरोलिना परिपक्वता इसकी 90 दिन है और संसार में फल का अधिकतम भार इसका 192 किलोग्राम पाया गया है। फल भार 29 से 66 किलोग्राम तक है।
दूसरी वरायटी है येलो किम, इसकी अधिकतर पीला गूदा होता है और अधिक मीठा होता है। तीसरी प्रजाति है ऑरेंज येलो, अधिक मीठा होता है, नारंगी गूदा होता है और फल का भार 9 से 10 14 किलोग्राम होता है। गहरी हरी पत्तियां, धारियां पाई जाती हैं और ये इसके फल 90 से 100 दिन में पक्के तैयार हो जाते हैं। एक प्रजाति जो शुगर बेबी मैंने आप ही आगे बताई थी, ये अधिक प्रसिद्ध है। इसका लाल गूदा होता है, फल छोटे होते हैं 1 से 1.5-2 किलो तक के और ये काफ़ी गहरे हरे रंग का छिलका होता है जो देखने में दूर से काला लगता है और भार इसका 1 से 2.5 किलो तक होता है। इसके अलावा हेम्पशायर है। स्थानीय प्रजातियों में फैजाबादी, फरुखाबादी, मोरहाबादी, इलाहाबादी, ये कुछ प्रजातियाँ फेमस हैं। जलवायु के हिसाब से तरबूज गर्म और शुष्क जलवायु की फसल है। लू और लंबे गर्म दिन की फलों में मिठास हो जाती है, जितनी अधिक लू चलेगी उतना ही फल अधिक मीठा होगा और उसमें सुगंधी बनेगी। ये पाले के लिए बहुत ही सहिष्णु होता है। बीज का अंकुरण 21 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर नहीं होता है, अधिकतर 85 डिग्री फारेनहाइट अधिकतम तापमान और 32 से 35 न्यूनतम डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है। औसतन 75 से 80 डिग्री फारेनहाइट या 18 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान पर इसकी फसल अच्छी होती है। न्यूनतम तापमान 15 से 18 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है। कम आर्द्रता, उच्च तापमान और पर्याप्त प्रकाश या धूप की मात्रा इसको चाहिए बढ़ने के लिए। 68 डिग्री फारेनहाइट ताप से कम पर ये बीजों का अंकुरण नहीं हो पाता है। इसकी खेती कई तरह से कर सकते हैं हम। नदी के किनारे बलुई, ये बलुई दोमट भूमि जिसका पीएच मान 6.5 से 7 के बीच हो, अच्छी मानी जाती है। और ऐसी भी भूमि जिसका पीएच मान 5.8 तक तरबूज को उगाया जा सकता है। कहने का मतलब है तो एसिड के लिए नदी के किनारे जो तरबूज बोया जाता है वो ट्रेंच बना करके या नालियां बना करके और 1-1.5 मीटर गहरी नालियां बनाई जाती हैं लंबी लंबी, और नालियों में इस बीज की बुआई नवंबर के महीने में की जाती है और उसके बाद में घास फूस के घास से इसको ढका जाता है। जब धीरे धीरे बेल बढ़ने लगती है तो उसको पश्चिम साइड से कांच से ढक देते हैं जिससे कि उस पर पाले का प्रभाव ना हो। खाद उर्वरक के जहाँ तक सवाल है, ये काफ़ी हैवी फीडर है और इसके लिए 350 से 400 कुंटल गोबर की खाद, 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता पड़ती है। औसतन इसको 60 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन, 40 से 60 किलोग्राम फास्फोरस और 60 से 80 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें से आधी मात्रा नाइट्रोजन की और संपूर्ण फास्फोरस पोटास खेत की अंतिम जुताई के समय पर थाला बनाते समय डाल दिया जाता है और बची हुई नाइट्रोजन को टॉप ड्रेसिंग के रूप में 35 से 40 दिन की अवस्था पर और 50 से 60 दिन की अवस्था पर खड़ी फसल में टॉप ड्रेसिंग के रूप में देते हैं। इसके अलावा पोषक तत्वों की कमी जिसमें बोरॉन की पाई जाती है तो 3 PPM का बोरेक्स या बोरेक्स का सोल्यूशन बना करके उसका छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा कैल्शियम 20 PPM का भी छिड़काव का फूल आने के समय पर किया जाता है तो उसकी फलत अच्छी हो जाती है। उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में इसको नदी किनारे दिसंबर से फरवरी तक बोया जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में इसे मार्च अप्रैल में बोते हैं। तराई क्षेत्रों में फरवरी मार्च में बोते हैं। भावर क्षेत्र में फरवरी मार्च में बोया जाता है। मध्य भारत में फरवरी मार्च में इसकी बुआई की जाती है। राजस्थान और बीकानेर में इसको अगस्त सितंबर में बोया जाता है और दक्षिण भारत के मैदानी क्षेत्रों में इसे पूरे वर्ष भर उगाया जाता है। बीज की मात्रा उपचार का जहाँ तक सवाल है, एक हेक्टेयर खेत के लिए 6 से 8 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है और बीज का उपचार कवकनाशी दवा थायराम या कैप्टॉन 2 से 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से कर सकते हैं या बायो एजेंट ट्राइकोडर्मा 8 से 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से इसका उपचार करके तब बीज को बोना चाहिए, जिससे बाद में होने वाली बीमारियों से फसल को बचाया जा सके। बीज बोने की दूरी कतार से कतार की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी यहाँ पर दिखाई गई है। इससे 2 से 2.5 मीटर की दूरी कतार से कतार रखी जाती है और 1.5 से 2 मीटर पौधे से पौधे की दूरी रखी जाती है। बीज बोने की भी कई विधियां हैं। बीज बोने को समतल खेत में बोया जा सकते हैं, थाला विधि या हिल विधि भी कहते हैं, मेड़ बनाकर इसकी बुआई की जाती है, कुण विधि वगैरह या रोपण विधि वगैरह। तो इसमें मैं आपको थाली विधि के बारे में बताना चाहूँगा कि जब ठंडा मौसम होता है तो उस समय 1-1.5 महीना हम अगेती फसल तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आप बाजार से 0.5 किलो या 1 किलो की मिट्टी वाली परफोरेटेड थैलियाँ पॉलिथीन की मिलती हैं और उन थैलियों में आप मिक्सचर तैयार करिए
एक भाग मिट्टी, एक भाग बालू और एक भाग गोबर की खाद, तीनों को बराबर मात्रा में मिला करके उनको थैलियों को भर लिया जाता है और प्रत्येक थैली में हल्की नमी सिंचाई करके और उसमें प्रत्येक थैली में दो तीन बीज बोए जाते हैं और उन थैलियों को फिर एक किसी गर्म कमरे में रखा जाता है जिसमें खिड़कियाँ हों लेकिन वो हवा का आवागमन ज़्यादा नहीं हो, और उसका चूँकि तापमान जाड़े के दिनों में कम होता है इसलिए उसका तापमान बढ़ाने के लिए आप रात के समय अंगीठी जला करके कुछ समय तक उसमें रख देते हैं आधा घंटे के लिए, उसके बाद फिर उसको अंगीठी को निकाल देते हैं। तो इस तरह से दो तीन दिन चार दिन तक करने के बाद उसमें बीजों का अंकुरण हो जाता है और इस प्रकार से फिर वो थैलियों में पौधे आपके तैयार हो जाते हैं, और जब पौधे आप 1-1.5 महीने में जब तैयार हो जाते हैं तो उनको फिर तैयार किए हुए खेतों में समतल खेत में जो दूरी आपको बताई गई 2 से 2.5 मीटर की कतारें बना करके उन कतारों में फिर पौधों की रोपाई गड्ढे बनाकर की जाती है। जब पौधों की आप रोपाई कर देते हैं और रोपाई करने के बाद फिर उसमें सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, तो जहाँ पर आप पौधों की रोपाई कर रहे हैं वहाँ पर जो थैलियों में आपने बीज बो रखा है तो थैली को पहले काटना पड़ता है और पिंडी सहित गड्ढा खोद करके पौधों की रोपाई कर देते हैं, और रोपाई करने के बाद फिर उसमें हल्की सिंचाई कर देते हैं। आमतौर पर तरबूज के लिए 24 एकड़ इंच पानी की आवश्यकता होती है। बीज बोने से पूर्व खेत में हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए जिससे खेत में नमी बनी रहे, और जो समतल खेत में बुआई की जाती है यह जनवरी के आखिर या फरवरी के प्रथम द्वितीय सप्ताह में की जाती है। बलुई दोमट भूमि में 1 सप्ताह के अंतराल से सिंचाई करते रहें, और दोमट या भारी भूमि में 10 से 12 दिन के अंतराल से सिंचाई करनी चाहिए, और सिंचाई करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ पर आप पानी लगा रहे हैं उसमें अधिक पानी न भरें, क्योंकि कभी कभी ज़्यादा पानी भरने से खेत में जो बेलें हैं उनमें पानी भरा रह जाता है, पौधे सड़ जाते हैं। अब आती कष्ट कार्य और खरपतवारों में नियंत्रण के लिए, तो निराई गुड़ाई जब आपके पौधे जम करके तैयार हो जाएं या पौधे रोपाई आप कर रहे हैं और उसमें 2-3 पत्तियां जब आ जाती हैं तो खेत के बीच की निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए, और बीच के जो 2 कतारों के बीच की दूरी है उसमें आप पलवार का प्रयोग कर सकते हैं, पौधों को सहारा दे सकते हैं, उनके नीचे लकड़ी बिछा करके लकड़ी की जो झामे होते से अरहर का पौधे हैं या लेंटाना की जो बुरी जंगली पौधा है उसकी काट करके उसके नीचे डाल देते हैं, उसके ऊपर बेल को तैयार करते हैं, या फिर आप जो बीज बो रहे हैं तो उसमें नीचे पलवार डालिए और पलवार के ऊपर बेल को बढ़ने दीजिए जिससे कि फल मेरा के संपर्क में नहीं आएगा और सड़ने से बच जाएगा, और जो थाले में आपने वही उसमें निराई गुड़ाई करते रहें, और जब पौधे में 3-4 पत्ती आ जाएँ और आप देखेंगे पौधे हमारे कमज़ोर हो रहे हैं तो उसमें आप 0.1% का घोल बना करके उसका छिड़काव भी कर सकते, यूरिया का छिड़काव कर सकते हैं। इस प्रकार से आपके ये सब टॉप ड्रेसिंग यूरिया का थाला निराई गुड़ाई करना, सहारा देना पौधों को और पलवार डालना, ये सब आपके कर्षण कार्य के रूप में आते हैं। और निराई गुड़ाई करके आप जो आप पलवार डालते हैं, पलवार के 2-3 फायदे होते हैं, एक तो वो नमी को संचय रखते हैं, दूसरे खरपतवारों को उगने नहीं देते हैं, और तीसरे मृदा में तापमान बनाए रखते हैं जिससे पौधों के उगने में भी सहायता मिलती है। अब इसमें प्रमुख रोग हैं आर्द्र विगलन, इसमें बीज का उपचार ये राइजोक्टोनिया पीथियम फाइटोप्थोरा के द्वारा लगता है, तो इससे बचाव के लिए आप बीज का उपचार अच्छे ढंग से करें कवकनाशी दवा से, जिसमें कैप्टान या थायराम 2 से 3 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से मिला करके मिलानी चाहिए। मेथ्रोमिन आशिता, इसके द्वारा पौधे बड़े कमज़ोर से दिखाई देते हैं, पौधा बिल्कुल बीमार सा लगता है, तो इस समय आप पौधों के ऊपर जिनेव या 2.5 mm 45 का 0.25% का घोल बना करके छिड़काव कर देंगे तो इससे आप पौधों को बचा सकते हैं। चूर्णिल आशिता या फफूंदी लग जाती है जिससे कभी कभी पत्तियों के ऊपर सफ़ेद रंग के चूर्ण जैसा बन जाता है, और इसके बचाव के लिए आप प्रतिरोधी किस्म में उगाएं, यह कैराथेन दवा आती है उसकी 6 मिलीलीटर दवा 10 लीटर पानी में घोल करके 15 दिन के अंतराल से 2-3 छिड़काव कर देते हैं तो आप अपनी फसल को बचा सकते हैं। उसके अलावा रुक्ष रोग है, इसके लिए प्रतिरोधी प्रजातियाँ उगाएं और या कापर ऑक्सी क्लोराइड का घोल बना करके 0.25% का उसका छिड़काव कर देते हैं तो एंथ्रेक्नोज या रुक्ष रोग से बचा सकता है। फ्यूजेरियम मिलानी ये कवक की वजह से होती है, इसमें बीज का उपचार करना चाहिए, लंबा फसल चक्र अपनाना चाहिए और खेतों में कापर ऑक्सी क्लोराइड की ड्रेंचिंग करनी चाहिए, या कैप्टान और वेवस्टीन 2 ग्राम कैप्टान 1 ग्राम वेवस्टीन मिला करके उसकी ड्रेंचिंग कर सकते हैं या कापर ऑक्सी क्लोराइड की ड्रेंचिंग कर सकते हैं। फल सड़न एक बीमारी है जो फंगस के द्वारा लगती है,
और जहाँ पर पानी बहुत अधिक भरता हो या पानी बहुत खेत में नमी ना रहने लें। और इसके लिए मचान पर भी आप खेती कर सकते हैं और ड्रेंचिंग ब्लाइटॉक्स की या कापर ऑक्सीक्लोराइड कर सकते हैं। मुझे क्या लगता है, जो कि फलों को पत्तियों के रस चूसने वाले कीड़े, सफ़ेद मक्खी होती है, हॉपर होते हैं, थ्रिप्स होते हैं, जैसे टेला होते हैं, इनसे बचाव के लिए आप फसल पर मेटासिस्टक या रोगहर दशमलव 1% का घोल बना करके छिड़काव करते रहना चाहिए। प्रमुख कीड़ों में आपका रेड पंपकिन बीटल, जब पौधे बो जाते हैं तो उस समय ये कीड़ा बहुत नुकसान करता है। इससे बचाव के लिए मेलाथियन या सेविन नामक दवा आती है, इसका 0.2% का घोल बना करके छिड़काव कर सकते हैं। मेलाथियन को छिड़काव 0.1% का घोल बना करके कर सकते हैं। कुतरा कीट, इससे बचाव के लिए आप खेत में 20 से 25 किलोग्राम फिरोलन दवा थालों में मिलाएं, या थीमेट दवा आती है, जब आप थाला बना करके बीज बोते हैं उसी समय प्रत्येक थाले में 1 से 2 ग्राम दवा मिला करके और उसके बाद उसमें बीज की बुआई करें। एपिलगना बीटल, ये भी छोटा होता है, कीड़ा होता है, इसका निम्फ और लार्वा काटता है, जिसे मेलाथियन का छिड़काव करें या सेविन का छिड़काव करें, या मिडाक्लोरपीट दवा आती है, इसका 0.1% का घोल बना के छिड़काव करते हैं तो इससे फसल को बचा सकते हैं। अब आते हैं माहू, कभी कभी माहू से भी काफ़ी हानि होती है, तो इसके लिए माहू के लिए सिंपल सा है कि आपसे 2-3 ग्राम सावन का चूरा 1 लीटर पानी में घोल बना करके उसका छिड़काव कर सकते हैं। यदि आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो 0.1% का मेलाथियन या रोगर या मेटासिस्टक 0.1% का घोल बना करके छिड़काव कर देते हैं तो माहू से और रस चूसने वाले कीड़ों से बचा सकते हैं। हैरी कैटरपिलर के मारने के लिए आप खेत की चारों तरफ मेड़ों पर हेप्टाक्लोर धूल या 5% BSC धूल आती है उसको डालें, या खेत की चारों तरफ की जो मेड़ें हैं वहाँ पर 6 इंच गहरी नाली खोद दें, उसमें पानी भर दें, जिससे कैटरपिलर का बाहरी खेतों से आना जाना रुक जाएगा और उसी तरह से आपकी फसल बच जाएगी। निमेटोड की जहाँ समस्या है वहाँ पर खेत में नीमॉक्स, नीम की खली या लकड़ी का बुरादा डालना चाहिए 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टर के हिसाब से, तो इस तरह से आप निमेटोड से अपनी फसल को बचा सकते हैं। अब कुछ में कुछ वृद्धि नियामक भी या हार्मोन्स का भी प्रयोग काफ़ी लाभदायक पाया गया है। टीबा 2,4,5-ट्राइंडोल बेंजोइक एसिड का घोल बना करके 25 से 50 मिलीग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना लें, और जब उनमें 2 पत्ती और 4 पत्ती आती है तो उस समय एक छिड़काव और एक छिड़काव 4 पत्ती की अवस्था पर छिड़काव कर देते हैं, तो इससे आपके जो माला फूल हैं वो अधिक बढ़ जाते हैं और पैदावार में काफ़ी वृद्धि पाई गई है। इसके अलावा GA3 है, जिसके 200 PPM या 200 मिलीग्राम प्रति लीटर घोल बना करके दूसरी और चौथी पत्ती की अवस्था पर यह छिड़काव कर देते हैं तो उससे माला फूलों की संख्या बढ़ जाती है, नर फूलों की कम हो जाती है। फलों की थोड़ाई प्रजाति के अनुसार फलों को पकड़ के और उसके ऊपर हाथ तेजी से अगर फीचे धप धप की आवाज़ आती है तो उससे समझना चाहिए कि आपके फल पक गए हैं। उद्देश्य के अनुसार कि आपको रखना है या बाजार भेजना है, उसके हिसाब से आप उनकी चुराई करें, और पकने पर फल का रंग परिवर्तन हो जाता है और फल धप धप की आवाज़ करता है, तो इससे इंडिकेशन है कि फल चुराई के योग्य हो चुका है। पैदावार के अनुसार से प्रजातियों के अनुसार होती है। सामान्य प्रजातियों में ग्रीष्म काल में 350 से 550 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की पैदावार ले सकते हैं, और संकर प्रजातियों की पैदावार 450 से 650 क्विंटल प्रति हेक्टेयर ले सकते हैं। अब इसको भंडार करने की जहाँ तक समस्या है, सामान्य ताप पर 30 से 45 दिन तक इसको रखा जा सकता है, कम ताप पर इसे 30 से 60 दिन तक रखा जा सकता है। ये वाटरमेलन का फोटोग्राफ दिखाया गया है। आशा है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपका कोई प्रश्न अथवा सुझाव हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर मेल कर सकते हैं, और भविष्य में एग्रीकल्चर से संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल एग्री अकादमी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।